सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग मुझे बता दिए कमेंट में, आप लोगों को वो वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्द। तो अभी मैं तो फ्रेश हो गया हूँ, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, मेरे घर में जो काम हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट जो मैनुफैक्चर होता है, वो तो आप लोग तो जानते ही हो, वो मार्केट का चीज़ है, ये मार्केटिंग लाइन का है। तो हर चीज़ हर समय मतलब डिमांड में नहीं रहता, तो अभी बस एक ही ऑप्शन है कि मुझे अब काम की ज़रूरत है। मैं अब काम के लिए मैं अभी जाऊंगा अप्लाई करने। बहुत सारे यहाँ पे कपड़ा का स्टोर है, कपड़ा का दुकान है, वहाँ जाके बात करूँगा। तो अभी चलते हैं, अभी तो मैं नाश्ता भी कर लिया, फ्रेश भी हो गया हूँ, तो अभी चलते हैं पहले कपड़े की दुकान पर, काम के बारे में बात करते हैं। काम जितना जल्दी मुझे मिले बहुत अच्छा है, क्योंकि हर समय हर चीज़ एक समय के लिए होता है गाइस। अब नया प्रोडक्ट आया, अब डेली तो लोग नहीं लेंगे, तो वही बात है। तो अभी मैं चलता हूँ मार्केट और कपड़े दुकान पे काम के लिए बात करता हूँ। यहाँ जितने भी कपड़े दुकान है, 4-5 है, तो अभी चलते हैं और बात करते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं घर आ गया हूँ, और बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ ये है कि मैं काम के लिए गया था दुकान, और जाते के साथ मैं काम पर ज्वाइन भी हो गया। मेरा जाके बात कर रहा था, बात करते के साथ ही मेरा ज्वाइनिंग भी हो गया। तो आज वो स्टोर अभी बन ही रहा है, तो कुछ काम भी मैं वहाँ कर लिया। तो खाना खाने के लिए मैं घर आया था, तो खाना खाने के लिए जैसे घर आया, उसके बाद से मैं वहाँ दुकान पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है, और घर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए नहीं गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ रील्स वीडियो बनाने के लिए, और रील्स वीडियो बना के आता हूँ, फिर एक बात शेयर करूँगा आपसे। अभी मतलब एक समय ऐसा था कि काम के लिए खोज रहा था, और अभी 3-4 ऑप्शन मेरे पास आ गया है, वो क्या है, और बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है मेरे लिए। तो अभी चलते हैं फटाफट रील्स वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। सो हे गाइस, फाइनली मैं लेवर पॉइंट में बैठा हुआ हूँ, और आप लोग तो जान ही रहे हो मैं अभी वीडियो ही बनाने आया हूँ। तो गाइस, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गया था, आप लोग को मैं अभी वो बात बता दूँ, मैं गया था काम खोजने के लिए कपड़ा दुकान पे काम के लिए। वहाँ जाके बात किया, उसके बाद बोले ठीक है, अभी ये स्टोर बन ही रहा है, तो कुछ माल जो है वो सड़िया दो। अब मैं तो सड़िया दिया, अब चलो काम है, कल से करें चाहे आज से करें, काम होता है, तो मैं वो कर दिया। तो वो करने के बाद फिर मैं आया वापस घर खाना खाने के लिए। फिर उसके बाद मैं फिर नहीं गया घर, इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरे घर पे मेरी मौसी भी आई थी। मेरी मम्मी की फ्रेंड है, तो मेरी मौसी लगी, तो वो मेरी मौसी आई थी। तो उन्होंने बोला कि जो वेडिंग फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो होता है, अगर वो सीख लेते हो तो उसमें भी है अच्छा खासा पैसा, उसमें भी है। तो वो सीखने के लिए तो एक भैया बोले, वो बात कराए थे, तो वो भैया से बात की, तो वो बोले ठीक है हो जाएगा। तो गाइस, अब मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब एक समय ऐसा था कि मतलब काम के लिए इधर उधर भटक रहा था, रिजेक्शन तक मिला, अब जाके मिला कि नहीं चलो काम मिल रहा है, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब बस कब, मौसी तो बोली वैसे 3 तारीख को, अब देखते हैं कहाँ पे मौसी काम पे जाएगी, और बोली है तुम भी चलना साथ में, तो आप लोगों को भी दिखाऊँगा कहाँ पे वो जगह, और किस तरह से मतलब कैसे सिखाया जाएगा। तो अभी चलते हैं पहले, अब तो मैं यहाँ बैठा हूँ, पहले रील्स वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चलते फटाफट पहले रील्स वीडियो बनाते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरी रील्स वीडियो कंप्लीट हो गई। सो गाइस, फाइनली मैंने रील्स वीडियो बना लिया। मैं रील्स वीडियो आज सिर्फ एक ही बना पाया, क्योंकि बहुत लेट से यहाँ पहुँचा था, पैदल आता हूँ और लेट हो गया था, और मतलब डार्क टाइप का आ रहा है, अभी वीडियो ठीक से नहीं बन पा रहा, लाइट ठीक से नहीं आ पा रही है, और प्लस ये जो पीछे जो देख रहे हो ये लाइट और वैसे होने की तो भी और अच्छा नहीं आ रहा है, बेकार ही आ रहा है। ये सब लाइट की वजह से ये सब देख रहे हो, वहाँ भी चल रहा है, ये पूरे पोल में लाइट है, तो सही से नहीं आता है। तो अभी तो मैं एक ही वीडियो में बनाया हूँ, वो इंस्टाग्राम पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके टैप करो और जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। तो मैं आज तो फिलहाल एक ही रील्स वीडियो बनाया मैं, यहाँ गाड़ी आते जाती रहती है, तो आज फिलहाल मैं एक ही वीडियो बनाया हूँ, तो वो वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ। तो अभी तो रील्स कंप्लीट हो गई मेरी, सिर्फ एक वीडियो बना आज, कोशिश कर रहा था यार गाइस बनाऊँ मगर बना ही नहीं, मगर कोई बात नहीं,
कल का वीडियो है, कल का मैं सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया था, 2-3 अभी बाकी है, वो मिला के फिर अपलोड कर दूंगा। तो अभी चलते हैं फटाफट, अब डायरेक्ट घर। घर जाने से पहले यहाँ कुछ फ्रेंड लोग आते हैं, शाम में मिलते हैं, तो उनसे भी बात करना है, वेट कर लेते हैं, तब तक बैठते हैं या टहलता हूँ, वही करता हूँ। तो अभी चलते हैं, फ्रेंड लोग का वेट करते हैं। और फ्रेंड लोग का ब्लॉग इसलिए नहीं बनता क्योंकि बहुत उठपटांग बात बोलते हैं जो बेकार है, मतलब हल्का गाली गलौज होता है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाता। तो अभी चलते हैं अब डायरेक्ट घर, फ्रेंड लोग से मिलते हैं और चलते हैं डायरेक्ट घर। सो हे गाइस, फाइनली मैं घर आ गया हूँ और रील्स तो मेरा बन गया, आज एक ही रील्स वीडियो में बनाया। तो अभी मैं घर आ गया हूँ और ड्रेस व्रेस चेंज कर लिया, बहुत गर्मी लग रहा था इसलिए हाफ कपड़ा पहन लिया, मतलब हल्का कपड़ा पहन लिया ताकि सही हो। तो आप लोगों को तो मैं बता ही दिया कि मतलब 3-4 ऑप्शन आया है मेरे पास, एक जो वेडिंग फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होता है वो, और एक कैंटीन का काम, और एक जहाँ अभी मैं लगा हूँ, 3 ऑप्शन है मेरे पास। तो मैं किसी में भी कर सकता हूँ, मगर मुझे जो मेरा जो मन लायक चीज़ है वो वेडिंग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, क्योंकि ये चीज़ मुझे सीखना है। ये अगर सीख लूँगा तो एक हाथ में एक हुनर आ जाएगा, या और ये मैं सीखूँगा तो आज अभी तो फ़िलहाल बात ही हो रहा है, तो कब होगा स्टार्ट, कब काम स्टार्ट होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों को एक चीज़ दिखाना है, वो ये चीज़ है, आप लोग कमेंट, ये सॉरी, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मुझे पूछते हो कि मतलब भाई किस चीज़ से ब्लॉग बनाते हो, अपना किट दिखाओ क्या क्या है। भाई मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक सिंपल सा एक किट है, जो ब्लॉगिंग किट है, जो मैं फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस देखो, यही है वो, ये ब्लॉगिंग किट है, ये है ब्लॉगिंग किट, और इसी से मैं भी वीडियो बनाता हूँ। अभी मैं ये बॉक्स को खोल के दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ है। ये सारा जो दिख रहा है, ये सारा चीज़ इस बॉक्स के अंदर है। तो अभी चलते फटाफट इस बॉक्स को खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस देखो, यही है वो वीडियो मेकिंग किट, और यही है वो, और अभी गाइस लाइट भी चली गई, ये देखो अभी सारा, अभी बनाते बनाते लाइट चली गई, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ ये चीज़, मोबाइल का फ्लैश ऑन करके ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ, ये कैसा है, इसके अंदर का क्या क्या सामान है। तो देखो गाइस, ये है ये सारा, ये तो एक ट्राइपॉड है, एक तरह से हैंड ट्राइपॉड इसको बोलते हैं, ये हैंड ट्राइपॉड है, और ये और एक ये इधर, ये दोनों एक बटन है, ये दोनों को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, मतलब ये करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये सारा मैनुअल है, ये करना पड़ता है। आप लोगों को करके दिखाता हूँ, एक हाथ पे फ़ोन पकड़ा हूँ और एक हाथ से ये कर रहा हूँ, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो देखो गाइस, ये इस तरह बन गया, ये यहाँ पे ये लग गया, और ये जो है ये इसमें फ़ोन फंसाया जाता है, ये फ़ोन होल्डर है, ये फ़ोन फंसाया जाता है, और ये जो पॉइंटर है ये इसमें लगता है इधर, तभी जाके ये कंप्लीट ये तैयार होता है, ये इस तरह से तैयार होता है। और ये जो नीचे है ये नट है इसका, इसको टाइट करना पड़ता है, तब जाके ये फ़ोन फंसता है, और ये इतना सारा ये तैयार होता है, और इसी पे मैं फ़ोन फंसा के भी वीडियो बनाता हूँ। ये हो गया इधर, ये तो ट्राइपॉड है, ये हैंड ट्राइपॉड है, और ये माइक है गाइस इसका, जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये माइक है और जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं बोया का माइक यूज़ करता हूँ, उसका बॉक्स इधर है। ये गाइस, ये माइक मैं यूज़ करता हूँ, ये बोया का, आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे, अभी माइक नहीं, ये खाली डब्बा है सिर्फ। तो ये माइक का मैं यूज़ नहीं करता, पहले करता था बट उससे साउंड उतनी अच्छी नहीं आती थी। तो ये हो गया माइक, और ये माइक का तार है, ये देखो, ये माइक का तार है, ये पीछे जो ये दिया हुआ है, ये पिन माइक का है, और ये पिन फ़ोन का है, ये फ़ोन के जैक में लगेगा, जो ईयरफोन जैक रहता है,
और ये माइक में लगेगा, ये इतना छोटा सा तार इसमें दिया गया है और ये माइक है। और ये गाइस ये आपका फ्लैश लाइट है, ये फ्लैश लाइट है। अभी ये ऑन नहीं हो सकता, ये पीछे इसका बटन दिया हुआ है, ऑन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बैटरी लगती है, जो कि मैंने अभी तक इसमें कोई बैटरी नहीं लगाया है, पहले लगाया था, पहले यूज़ करता था। अब इस देखो गाइस इसमें बैटरी लगता है, ये इसमें बैटरी लगती है तभी ये जाके ऑन होगा, तो इसको फ़िलहाल अभी लगा देते हैं। ये फ्लैश लाइट है, ये पीछे से ये ऑन ऑफ का ये बटन दिया हुआ है ये। और ये गाइस इसको आप चाहो तो आप इसमें भी लगा सकते हो, एक सेकेंड, ये जैसे है अभी इसमें लगा के दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अभी मेरी सिस्टर आई है तो वही फ़ोन पकड़ी है, तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को इसमें लगा के। ये गाइस ये लग गया, ये इसमें फ़ोन फंसेगा इधर से, ये फ़ोन स्टैंड है, ये पकड़ लिया। और अगर बाय चांस मन, अगर इनकेस अगर आप ब्लॉक कर रहे हो वो भी रात में और आपको लाइट नहीं पड़ रहा, लाइट कम आ रहा है, तो यहाँ से फ्लैश ये सेट कर सकते हो, ये भी यहाँ पे सेट हो जाएगा, ये फ्लैश सेट हो गया। और इसको चाहो तो आप पीछे साइड भी कर सकते हो फ्लैश को इस तरह घुमा के, मैं तो बैक कैमरा से बनाता हूँ तो इसी तरह रहता है, यहाँ से भी लगा सकते हो और इसको यहाँ से भी, ये इधर लग गया, अभी फ़िलहाल अभी ये फूल अभी किट आपको लगा के दिखाता हूँ, ये हो गया। और आपको इधर ये माइक लगा के था, तो ये माइक भी इसमें लगता है, ये टोटल ये कंप्लीट हो गया। अब ये इतना लंबा चौड़ा ये किट है, ये देखो गाइस, ये हो गया माइक, ये हो गया फ्लैश और यहाँ पे फ़ोन आपका जो फंसता है। और ये गाइस ये ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल है, इसको फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करोगे तो ये जो बटन दिया हुआ है ये दो को एक, ये किसी को भी एक क्लिक करोगे तो वीडियो ऑन हो जाएगा या आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, ये उस चीज़ के लिए दिया हुआ है। तो गाइस यही है मेरा प्यारा सा ब्लॉगिंग किट, जो कि माइक और फ्लैश का तो बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, बाकी ये चीज़ हमेशा यूज़ करता हूँ, ये मैं डेली यूज़ करता हूँ, इसके बिना मेरा कुछ काम ही नहीं होता। तो अभी फटाफट इसको भी रखते हैं अंदर, नहीं अंदर नहीं रखूँगा क्योंकि अभी लाइट नहीं है, तो अभी मुझे वीडियो बनाना, लाइट आ गई गाइस, तो अभी फटाफट इसको भी रखते हैं अंदर। तो गाइस फ़िलहाल तो आप लोग मेरा किट देख लिए, यही है वो प्यारा सा किट जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अभी रिमोट कहाँ गया, रिमोट इधर गिर गया था, तो यही ये इतना सारा किट है और मैं फ्लिपकार्ट से ये मंगाया था, यही वो किट है गाइस जिससे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो इसे मैं फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो आप लोग को अगर ये चाहिए ये प्रोडक्ट, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, आप लोग जाके चेक कर लेना इस। तो आप लोग तो मेरा देख ही लिए मैं क्या चीज़ से ब्लॉग बनाता हूँ, और मेरे पास उतना गाइस कुछ है नहीं, मतलब एक सिंपल सा जो होना चाहिए, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं ब्लॉगिंग, तो ये चीज़ तो मेन है, ये होना चाहिए हर किसी के पास। अब जो अफोर्ड नहीं कर पाते उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, बट ये तो मेरे पापा मम्मी ने दिलाया, मैं खुद से नहीं लिया हूँ गाइस। तो अभी ये तो अभी मैं इसी से कर रहा हूँ, और आज का ब्लॉग मुझे अब गाइस यहीं पे एंड करना होगा क्योंकि रात हो गई है, मुझे जाना वीडियो एडिट करने भी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड लोग को शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।